हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके ब्लॉगिंग से $500 से भी ऊपर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको किस निच पे काम करना है और इस निच पे कौन कौन सी वेबसाइट्स काम कर रही है, कितना ट्रैफिक ले रही है, आपको किस तरह से काम करना है, कौन सा डोमेन वेब होस्टिंग लेना है, सारा कुछ गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर अभी चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन से भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो यहां पे गाइस आपके साथ कुछ वेबसाइट शेयर करने वाला हूं, देन उनके एनालिटिक्स भी हम देखेंगे कि वो कितना ट्रैफिक ले रही है और किस हिसाब से वो अर्निंग कर रही है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ वेबसाइट्स को निकाल रखा है उस निच से रिलेटेड जिस पे आपको काम करना है। तो गाइस वो निच है गाइस बायोग्राफी निच, जिस पे गाइस आपको काम करना है और इस निच पे यार सचमुच कमाल का ट्रैफिक होता है। ठीक है, और यहां पे जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो 101% यार कॉपी पेस्ट ही होता है, बस अपने अपने लेआउट में प्रेजेंट किया होता है। ठीक है, तो पहली जो वेबसाइट है गाइस वो है starunfolded.com, जो कि काफी पुरानी वेबसाइट है। अब बात करूं अगर मैं इसके ट्रैफिक की, तो मैं इसका आपको ट्रैफिक दिखा देता हूं। ठीक है, तो अभी हम वेब सिमिलर पे क्लिक करते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे आपके सामने गाइस ट्रैफिक आ चुका है। ठीक है, तो जो पहले गाइस इसका ट्रैफिक था वो 5 to 6 million के आसपास था, और अभी जो करेंटली इस पे ट्रैफिक गाइस मंथली का वो गाइस 7 million के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है गाइस। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यार 7 million के आसपास इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, और ज्यादातर जो ट्रैफिक है गाइस वो यहां पे इंडिया से ही देखने को मिल रहा है और बाकी भी कंट्री से यहां पे ट्रैफिक आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ को भी टारगेट करते हो और वहाँ के भी सेलिब्रिटीज़ के बायोग्राफीज़ को अपने वेबसाइट्स पे लिखते हो, तो आपको यह CPC भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी वेबसाइट पर्टिकुलर ऐसे ही करती है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से भी ये काफ़ी अच्छा खासा मतलब कि जो ट्रैफिक है वो ले रही है, और बाकी कंट्री से भी यहाँ पे इनको ट्रैफिक मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। बात करूँ अगर मैं अगली वेबसाइट की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला वेबसाइट है गाइस वो है हमारा wikibio.in। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, और इसकी अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पे जो पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक है गाइस वो 1.80 million के आसपास के लगभग गाइस इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, और ये ट्रैफिक गाइस फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 2 million पे जाता है, कभी 1 million पे जाता है, और इस तरह की वेबसाइट्स पे यार कभी भी आपको जो ट्रैफिक है गाइस वो मतलब कि अंडर 50 के आपको देखने को मिलेगा ही नहीं यार। ठीक है, तो अगर आप एक साल भी अच्छे से काम करते हो तो 101% गाइस आप काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक ले लोगे इस तरह के निच पे। ठीक है, और यहाँ पे यार आप कंटेंट को देखो, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट ही होता है यार, बस अपने वर्ड्स में लिखा होता है। तो गाइस इस तरीके से कुछ इस वेबसाइट की ट्रैफिक है। बात करें अगर हम अपनी अगली वेबसाइट की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला वेबसाइट है गाइस वो है biographywiki.net। और अब बात करें अगर हम इसकी ट्रैफिक, तो मैं आपको इसका ट्रैफिक दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो अभी फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है गाइस वो 158K के अराउंड चल रहा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है गाइस, ये टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज एंड और भी जो अदर मतलब कि साइड पर्सन होते हैं उन्हें भी ये टारगेट करती है, उनकी बायोग्राफी को अपनी वेबसाइट्स पे डालती है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक ले रही है। ठीक है, तो आपको भी गाइस इस निच पे काम करना है। तो अब बात आती है कि यार हमें काम किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखो यार इस तरह के निच पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे में आपके पास चाहिए एक बेस्ट होस्टिंग। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप होस्टिंग यार स्टार्टिंग में आप होस्टिंगर से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे होस्ट गेटर का भी होस्टिंग ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी इंडियन सर्वर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी एक की आप होस्टिंग प्लान को परचेज कर सकते हो, यहाँ पे काफी चीप प्राइस में आपको होस्टिंग मिल जाएगा, और प्लस गाइस जो इनका कस्टमर सपोर्ट है यार वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जेन्युइन होस्टिंग्स है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो यार, इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन गाइस होस्टिंग के बाद आपको यार एक अच्छा सा डोमेन मतलब कि कीवर्ड फ्रेंडली डोमेन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिसमें गाइस बायोग्राफी या विकी का कीवर्ड्स देखने को मिले। सो गाइस जैसे कि आप इस वेबसाइट की डोमेन देख रहे हो wikibio.in, ठीक है, तो आपको भी यह सेम है इसी तरह से डोमेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मतलब कि बायोग्राफी या विकी से रिलेटेड कीवर्ड्स आपके डोमेन में आए। ठीक है, लाइक जैसे wikibio.stars या wikibiographystars.in, इस तरह से आप डोमेन्स को सेलेक्ट कर सकते हो, और डोमेन आप चाहो तो होस्टिंगर से, होस्टगेटर से, नहीं तो आप GoDaddy से भी परचेज कर सकते हो, इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इन सभी को लेने के बाद गाइस आपको अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड करना है सिंपल सा यार जनरेटर पे थीम डाल के। अगर आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए किस तरह से इस तरह की वेबसाइट्स को बनाना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा इस टॉपिक पे। नहीं तो गाइस ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं, जस्ट जनरेटर पर इंस्टॉल करना है और बस आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और आपको गाइस एक दिन में करीबन यार 3 से 4 बायोग्राफीज़ को अपने वेबसाइट्स पर डालना ही डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैटर करता है कंटेंट, आप जितना ज़्यादा कंटेंट डाल सकोगे यार उतनी जल्दी आपके इंप्रेशन आएगा और उतनी जल्दी आपके वेबसाइट्स पर क्लिक भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यार इस तरीके से काम करना है,
और यहाँ पे एक वेबसाइट की मैं आपको डिटेल में थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्टार अनफोल्डेड है, इसे मैंने यार मतलब कि स्टेट्स क्रॉप के थ्रू एनालाइज कर रखा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेली विजिटर है गाइस इसके पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे 43K के आसपास आ रहे हैं, एंड पेज भी गाइस 73K के आसपास जा रहा है, और इस वेबसाइट की जो एज है गाइस वो 8 ईयर के आसपास हो गया है। तो पर्टिकुलर इस वेबसाइट की तो काफ़ी अच्छी खासी एज है गाइस, ठीक है। तो इसका रेपुटेशन बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नए हो तो आपके आपके वेबसाइट्स पे व्यूज नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आप नए भी हो ना, फिर भी अगर आप एक अच्छे से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हो और अच्छे से काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो 101% यार आपको 3 से 4 महीने में ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा इस तरह की वेबसाइट्स पे। मैं आपको अपनी एक वेबसाइट रिवेल भी करूँगा, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट की पर डे की अर्निंग है गाइस वो $479 के आसपास हो रहा है पर डे का। तो सोचो यार मंथ का कितना अर्निंग होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, और ये इंडिया की ही वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, बिल्कुल ये इंडिया की ही वेबसाइट है। तो यार आपको इस तरह से काम करना। और यहाँ पे गाइस मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि अगर आपको इन सभी वेबसाइट्स के कीवर्ड्स पे काम करना है ना, कि आपने इन सभी वेबसाइट के ट्रैफिक तो देख लिया, तो यार आपका भी मन किया होगा कि भाई मुझे भी आप इन्हीं वेबसाइट्स के कीवर्ड्स पे काम करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए यार प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको बना बनाया कीवर्ड्स मिल जाएगा, बस आपको उन कीवर्ड्स पे आर्टिकल यहाँ से उठा के अपने लेआउट्स में डालना है, ठीक है। तो उसके लिए यार आपके पास होना चाहिए एचआरएफ टूल, तभी आप पर्टिकुलर वेबसाइट्स को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एचआरएफ टूल नहीं है गाइस, तो ऑफिशियल एचआरएफ टूल को अगर आप परचेस करोगे तो काफ़ी पैसे वहाँ पे आपको फूकने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है गाइस आप टू लड्डा से, इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से गाइस आप जस्ट ₹299 पर मंथ में गाइस एचआरएफ टूल को परचेस कर सकते हैं, और इन सभी वेबसाइट्स को एनालाइज कर सकते हैं और इनके कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स को किस तरह से निकालना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यार काफी सारी वीडियोस डाली है, तो आप जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट से गाइस आप एचआरएफ टूल को परचेस कर सकते हो, और यहां पे काफी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे आपके ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जो कि आपके वेबसाइट पे काफी ज्यादा आपको काम आएंगे, ठीक है। यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां से आप बल्क में भी परचेस कर सकते हो, जहां पे आपको एचआरएफ के अलावा और भी काफी सारे टूल मिल जाएंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना यार, जो मतलब कि जिसकी नीड है आपको उसे आप परचेस करना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो कुछ गाइस आपको इस तरह से गाइस, इस स्ट्रेटेजी से गाइस आपको काम करना है इस तरह के बायोग्राफी वेबसाइट्स पे। देन आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।